हेलो मेरी वीडियो फैमिली गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे जो एआई वॉइसेस पेड में ना उसको फ्री में कैसे जनरेट कर सकते हो, कैसे फ्री में सेव कर सकते हो, फ्री में एक्सपोर्ट कर सकते हो। बट उससे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, आप इसको स्किप कर सकते हो जो लोग मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, जो लोग नए व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ये जो वीडियो है ना ये एक सीरीज़ का वीडियो है, ठीक है, कि कैसे आप एआई वॉइसेस को जनरेट कर सकते हो, कैसे एआई वॉइसेस को फ्री में जनरेट कर सकते हो, कैसे स्क्रिप्ट दोगे आप और वहाँ पर आपको पूरा एक इंसान बोलता हुआ मिल जाएगा, इंसान नहीं मिलेगा, उसकी वॉइस उसकी आवाज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो आप एआई वॉइस को कैसे डाल सकते हो, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस वॉइसेस को कैसे डाल सकते हो, कैसे आप स्क्रिप्ट लिख के दोगे, आई होप कि आपको समझ में आएगा। क्या ही मैं इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये उसी सीरीज़ का वीडियो जिसमें मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर रखे है, जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखो, वो प्लेलिस्ट आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर, वहाँ पे आपको एआई वॉइस जनरेशन नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसे जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और, कई सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई आप कौन सा माइक इस्तेमाल करो, कुछ मेरे को बजट माइक बताओ जिससे कि मैं भी वीडियोज़ वगैरह बना पाऊँ। तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, दो माइक का। एक बहुत ही सस्ता माइक है जो कि बहुत कॉमनली मैं पहले इस्तेमाल करता था, जिसमें काफ़ी अच्छी खासी वॉइस आती है, और जो इस समय मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो माइक जो है लगभग 2500 के आसपास का था माइक, ठीक है। तो इसका भी मैं लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, और मेरी बात मानो, ये मेरे को माइक बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी माइक है, ठीक है। तो दोनों का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सिंपली क्लिक करके आप लोग जाके अमेजन पे चेकआउट उसे कर सकते हो। वही लाते हैं अपने इस वीडियो पे, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं ना हम लोग, इसमें हम लोग जो स्क्रिप्ट हम लोग लिख रहे थे morph.ai या फिर और भी कई सारे आपको पेड एआई टूल मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप कैसे वॉइसेस को एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो मैं इसी में बताऊँगा। और आप अलग अलग एआई टूल जो भी पेड हैं, जहाँ पे आपको स्क्रिप्ट लिख के कुछ वॉइस जनरेट करने का ऑप्शन मिलता है, लाइक इसमें आपको क्या स्क्रिप्ट लिखा मैंने और यहाँ पे कुछ वॉइस जनरेट करने का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो सिंपली आप इसे कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, सो उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब जनरेट करने के बाद यहाँ पे सिंपली मैं आपको स्क्रिप्ट थोड़ा सा ज़रूर सुनाऊँगा। जनरेट हो चुका है, ठीक है। अब इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। जो लोग मोबाइल में जनरेट कर रहे हैं उनके लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन का नाम है ग्लिप, GLIP ग्लिप, एक स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन है। ग्लिप एप्लीकेशन एक टाइप का स्क्रीन रिकॉर्डर है, जहाँ पे आप स्क्रीन के अंदर जो मोबाइल के अंदर वॉइस आ रही है उसको भी आप सिंपली रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो उसमें आपको सेटिंग कर लेना है कि आप इंटरनल वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हो। ग्लिप जिसका इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है, तो आप उसे बहुत ही आसानी से चला सकते हो। और आपको लैपटॉप में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है OBS, जिसे मैंने अभी आपको वॉइस सुनाया ना, ये OBS स्टूडियो, ठीक है। इसकी सेटिंग आप YouTube पे चेकआउट कर सकते हो, YouTube पे आप वीडियोस देख सकते हो कि कैसे OBS स्टूडियो को डाउनलोड करते हैं और कैसे इसकी सेटिंग करते हैं, ताकि आप कंप्यूटर के वॉइसेस को रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं बता देना मेरे को, मैं बता दूंगा, ठीक है। आप उसे डाउनलोड करके देखो, मैंने सिंपली यहाँ पे ऑन किया हुआ है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही, तो सिंपली आपको रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना है। अब मैं आपको बता दूँ कैसे इस ऑडियो को एक्सपोर्ट करना है। अब आप लोग को समझ ही गए होंगे, तो ऑडियो को सुनो, सिंपली आपको सब चीज़ साइलेंट रखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या करना है ना, यहाँ पे देखो मेरा जो डिस्प्ले कैप्चर है, मैंने डेस्कटॉप ऑडियो को ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो अभी डेस्कटॉप ऑडियो चलेगा तो ये वॉइस भी चलेगी, ये बार भी चलेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको सुनाते हैं आपको, मैं कैसे सुना रहा हूँ, मैं ऐसे रिकॉर्ड करके, आप सुना पेड है ना, फिर भी आपको मैं सुना रहा हूँ ना, तो आप ऐसे रिकॉर्ड करके एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आप सुनो। नमस्कार सब लोगों को, आज हम एक स्पेशल रोस्टिंग सेशन में हैं। आज का टारगेट है वो लोग जो मोटिवेशनल स्पीकर बनके लोगों को नींद में भेज देते हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, तो चलिए शुरू करते हैं। अरे भाई बहनों, मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखो, जैसे ही स्टेज पर आते हैं लगता है अलार्म घड़ी की जगह लोरी बजाने वाला है। उनकी आवाज में इतना प्रेरणा भरा हुआ है कि अगर किसी को अनिद्रा है तो बस उनका वीडियो देख के सो जाएगा। और उनका स्टाइल, ओह तेरी, पहले तो वो किसी से प्रेरित होते हैं, फिर खुद को प्रेरणा का फवारा समझ के मंच पर उतारते हैं। बताओ क्या खूबसूरत एक्टिंग करते हैं ना, पर सच बताओ तो उनका ड्रामा देख के तो इंसान सोचता है भाई अब तो सच में कुछ नया सिखा दे। तो दोस्तों आज का रोस्टिंग सेशन यहीं तक समाप्त हो गया है। अगर आपको कभी भी किसी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो चाहिए तो बस उसे प्ले करते ही आप अपने सपनों की दुनिया शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट मुझे, ये स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा जो कि मैंने ChatGPT से निकाला है, रोस्टिंग स्क्रिप्ट निकाला है, ठीक है। तो आप इस टाइप से यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपको सुना है तो आप सिंपली सुन सकते हो, ठीक है। और आप सिंपली इसे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करो, जहाँ पे मन करना है वहाँ पे अपलोड करो। एक चीज़ और, कितने सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या ये AI वॉइसेस कॉपीराइट फ्री है। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसको चेक किया है, ये कॉपीराइट फ्री है,
ठीक है, कॉपीराइट फ्री है फिलहाल, तो मैं यही बोलता हूँ कॉपीराइट फ्री है फिलहाल। क्यों बोल रहा हूँ, देखो भाई फ्यूचर में टूल कुछ भी चेंजेस कर सकता है, तो मैं उसके लिए जिम्मेदारी नहीं ले सकता, बट फिलहाल के लिए AI वॉइसेस का जो वॉइसेस है उसका कॉपीराइट फ्री है, आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अपने अगले सीरीज़ में जहाँ पे हम लोग कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। उसके लिए आप वोट कर सकते हो, मैं यहाँ पे फिर से पोल डालने वाला हूँ, तो आप मुझे बताना किस टॉपिक पे, किस सीरीज़ पे आपको वीडियो चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।